एनर्जी लेवल्स अभी हमने फॉर्मूला निकाला था एनर्जी का कि ईएन अपॉन बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो मैं एनर्जी इसमें इससे एनर्जी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे नीचे क्या होगा, -13.6, ये इधर एनर्जी है ई एन, और इधर एन, ये एन बराबर 1 के लिए है। अब तो इसमें एन एन बराबर 1 के लिए एन की वैल्यू पुट करेंगे तो -13.6 आ गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3.4, तो एन बराबर 2 का वैल्यू आ जाएगा -3.4। और थर्ड ऑर्बिट का निकालेंगे तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन 9, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1.51। तो ये हो जाएगा यहाँ कहीं एन बराबर 3 हो जाएगा -1.51। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट का निकालेंगे हम तो -1.13.6 अपॉन 4 स्क्वायर, तो हो जाएगा -13.6 अपॉन 16, तो हो जाएगा -0.85, तो ये हो जाएगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स हो गए, एन एन बराबर 1 के लिए -13.6, 2 के लिए -3.4, और 3 के लिए -1.51, और 4 के लिए -0.85, और ऐसे ही 5, 6 का बढ़ते जाएगा। ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे, सबका निकल जाएगा। तो सबसे इसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे एन बराबर 1 को, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है। मैग्नीट्यूड पर देखें तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गया, उसके बाद पहली एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स हो गया। तो अब इसको हम समझते हैं। तो एक इसमें एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है किसी स्टेट में, मान लो ग्राउंड स्टेट में ही है, तो इस ग्राउंड इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो इसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इसको हमको इन्फिनिटी पे ले जाना है, फ्री कराना मतलब इन्फिनिटी पे ले जाना, मतलब वहाँ कोई फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी हो जाएगी 0। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, इन्फिनिटी पे, तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी हो जाएगी एनर्जी, तो इसमें एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगी 0 माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट स्टेट से फ्री करने के लिए, मतलब इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट से, तो ये हो गई वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी की, आई ई लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब एक और बात, सपोज ये जो हाइड्रोजन एटम है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो सपोज ये रूम टेम्परेचर पे बात हो रही है, तो रूम टेम्परेचर पे तो मोस्टली ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं सब, तो
तो सपोज हमने इसमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, तो एक्साइट किया तो ये किसी हायर लेवल पे जाएगा, मान लो 2 पे गया या 3 पे गया, कहीं भी गया। तो उसके बाद जब ये वापस फॉल करेगा ग्राउंड स्टेट में, तो एक फोटोन एमिट करेगा, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। तो फोटोन एमिट करेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से जंप करके सेकेंड ऑर्बिट पे गया, फिर वहाँ से इसने फॉल किया, तो इसमें फोटोन एमिट कर दिया इसने। उस फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा, मान लो 1 से 2 में गया, तो 1 की एनर्जी है 13.6, और सॉरी माइनस 13.6, एक मिनट, इनिशियल तो सेकंड है ना, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी थी? -3.4 थी, और फर्स्ट ऑर्बिट की है -13.6, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 6, 4, 2, 3, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और तो इससे फिर एन फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, वेवलेंथ उसकी वेव की, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस हो जाएगा पहले दोनों में। तो ये हो गया फोटोन एमिट जो करेगा, उससे फिर इसको डिवाइड कर देंगे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट से, तो इससे इसकी वेवलेंथ निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो ये हो गया, अगर ये फर्स्ट से थर्ड में जाता तो डिफरेंस कितना हो जाता है इस केस में? अगर n बराबर 1 में फॉल करता तो हो जाता है डिफरेंस -1.51, -13.6, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाता है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाता है डिफरेंस। तो बढ़ गया, इसमें कम है, ऐसे ही जब हाई ऑर्बिट से गिरेगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ते जाएगी। तो ये हो गया एनर्जी लेवल्स। तो इसमें क्या देखा हमने कि ग्राउंड स्टेट से पहले हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर वहाँ से जब फॉल करता है तो फोटोन एमिट करता है, और उसके जो फोटोन एमिट करता है उसकी एनर्जी इतनी होती है, और ये है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने nth ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू क्या निकाली थी? ME^4/8ε0^2^1/n^2, ठीक है? तो ये वैल्यू हमने निकाली थी nth ऑर्बिट में एनर्जी की। और अगर दो ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस देखें डेल्टा ई, तो हो जाएगी ME^4/8ε0^2^1/n^2 - 1/n^2, तो ये हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब जो हमने बाल्मर सीरीज में या फिर किसी भी सीरीज में अगर देखें, तो उसमें क्या था? हाँ, और इसकी वैल्यू थी एच न्यू के बराबर डेल्टा ए की। तो ठीक है, और उसमें क्या फॉर्मूला था? 1 1/λ बराबर R^(1/n^1^2 - 1/n^2)2। ये हमने देखा था किसी भी बाल्मर सीरीज लाइमर सीरीज में, जहाँ n1 फिक्स हो जाता था, n2 चेंज होते रहते थे, तो जनरल एक्सप्रेशन ही आता था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है कि एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं एच न्यू, या ये भी लिख सकते हैं HC/λ। तो 1/λ को क्या लिख सकते हैं? ν/c। ठीक है, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। तो
इस एक्सप्रेशन में न्यू को, न्यू को लिख सकते हैं, ये न्यू को लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे न्यू को लिखते हैं सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख रहा हूँ, तो एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम ई पावर फोर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। ये हो गया। अब एच सी को नीचे ले जाते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा एच क्यूब और ये हो जाएगा सी, तो वन अपॉन लेमडा की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये हो गया एच क्यूब एन टू सी हो, यहाँ पे सी है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी वन अपॉन लेमडा की वैल्यू दिस होल एक्सप्रेशन इन टू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, यहाँ भी वन बाई लेमडा बराबर आर इन टू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। तो ये जो था ये एक्सपेरिमेंटल था और ये थ्योरेटिकल वैल्यू आया था पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, बोस पोस्टुलेट। तो हमने जब इन इन इस एक्सप्रेशन में सबकी वैल्यू डाली एम ई एप्सिलॉन नॉट एच इस सी की, तो इसकी वैल्यू क्लोज टू आर आई, तो इससे प्रूफ हो गया कि थ्योरेटिकली जो बात कही गई थी वो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हो रही है। तो आर की वैल्यू कितनी थी 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर। तो ये था, हमने निकाला था ई एन की वैल्यू कितनी थी माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो किसी दो के बीच में कितना हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, ये हो जाएगा वैल्यू। कोई दो के बीच का डिफरेंस, दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिफरेंस। तो सपोज ये n बराबर वन स्टेट है, n बराबर वन है, ये यहाँ पे है एनर्जी स्टेट है, यहाँ पे n बराबर टू, यहाँ पे है n बराबर थ्री, यहाँ पे है n बराबर फोर और यहाँ पे है n बराबर फाइव। तो लाइमन सीरीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एन बराबर वन, फॉर्मूला क्या होता है उसका वन अपॉन लेमडा बराबर आर इंटू वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो वन ये एन कहाँ से, टू से चालू होता है, तो अगर टू से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी वापस फॉल करेगा वन पे तो फोटोन एमिट करेगा जो कि लाइमन सीरीज में आएगा, और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थ्री से वन में आ जाए, फोर से भी आ सकता है और फाइव से भी आ सकता है। तो ये जो सारे होंगे ये हो गए लाइमन सीरीज के अंदर आएगा। ठीक है, अब बामर सीरीज जो है वो कहाँ से चालू होता है, एन बराबर टू से। ठीक है, इसमें यहाँ से आएगा, तो ये हो गया बामर सीरीज। उसी तरह पास्टन सीरीज में कहाँ से चालू होगा, थ्री से, तो इसका होगा ऐसे, एक फोर पे गिरेगा फाइव से गिरेगा, ये हो गया पास्टन सीरीज का हो गया। उसके बाद कौन सा है ब्रैकेट सीरीज, ये कहाँ चालू होता है एन बराबर फोर से, तो ये फाइव से ये गिरेगा, तो ये हो गया, ये हो गया ब्रैकेट सीरीज का। ठीक है, तो ये जो है
इस लेवल से मतलब इस जो भी मतलब टू अगर वन पे गिर रहा है, वन टू से थ्री से फोर से या फाइव से, तो वो लाइमन सीरीज पे आएगा, और टू पे गिर रहा है कहीं से भी तो बामर सीरीज पे आएगा, थ्री पे गिर रहा है तो पास्टन पे, फोर पे गिर रहा है तो ब्रैकेट पे, सिर्फ फाइव पे गिर रहा है तो पी फंड पे आएगा, वो मैं नहीं बना रहा हूँ। तो ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन आ गया। तो ये सर सारी सीरीज है लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, तो ये हो गया।